हेलो हाय नमस्कार एंड वेलकम टू माय सेकंड वीडियो। अगर आप फोन पर देख रहे हैं तो प्लीज फुल स्क्रीन कर लीजिए। आपने मेरा थंबनेल तो देख ही लिया होगा। अगर आपको भी वैसे ही एडिटिंग करनी सीखनी है तो वीडियो देखते रहिए। आज हम करने वाले हैं एडिटिंग एक बहुत ही सिंपल एंड ईजी टू यूज ऐप पे जिसका नाम है स्नैपसीड। इसे आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आज मैं आपको दो पिक्चर्स एडिट करके दिखाऊंगी। दोनों में ऑलमोस्ट सेम प्रोसीजर यूज करती हूँ। ये प्रोसीजर आप किसी भी पिक्चर को एनहांस करने के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे उसकी ब्राइटनेस, कलर्स और डिटेलिंग को बेटर करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपनी ऐप खोलिए, वहाँ आप ओपन पे क्लिक करके अपनी फ़ोटो सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं आज ये वाली फ़ोटो यूज़ करने वाली हूँ। अब नीचे आप देख सकते हैं कुछ इनबिल्ट स्टाइल्स हैं। अगर आपको वन क्लिक में एडिट करना हो तो आप एक्सेंचुएट पे क्लिक कर सकते हैं, वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। आप पिक्चर पे लॉन्ग प्रेस करके अपना बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हैं। आज हम मैन्युअली एडिट करेंगे तो आप सबसे पहले टूल्स में ट्यून इमेज में जाइए। आपको बहुत सारे सेटिंग्स मिल जाएंगे जो आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप अपने फिंगर को ऊपर नीचे स्वाइप करेंगे तो आप इन सेटिंग्स को देख सकते हैं। सबसे पहले हम ब्राइटनेस पे काम करेंगे। आप अपने फिंगर को लेफ्ट और राइट स्वाइप करेंगे तो आपको दिखेगा कि ब्राइटनेस चेंज हो रहा है। पिक्चर पे वो जैसा अच्छा लगता है उस वैल्यू पे आप वो सेट कर दीजिए। फिर आते हैं कॉन्ट्रास्ट और सैचुरेशन। इन्हें भी आप लेफ्ट राइट स्वाइप करके देखिए और जो आपके पिक्चर के साथ बेस्ट जा रहा है उस वैल्यू पे सेट कर दीजिए। फिर आता है एम्बियंस। एम्बियंस को भी आप देखिए, वो भी एक काइंड ऑफ ब्राइटनेस ऐड कर देता है पिक्चर में। लाइट्स पिक्चर के उन पार्ट्स पे काम करता है जो लाइटेड हैं, वेरस शैडोज उन पार्ट पे काम करता है जो थोड़े डार्क हैं। वॉर्म्थ को अगर आप इंक्रीज करते हैं तो आपका पिक्चर थोड़ा येलो टोन्स में जाता है, और अगर आप डिक्रीज करते हैं तो थोड़े ब्लू टोन्स में जाता है। आप फिर लॉन्ग प्रेस करके बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हैं। ये काफ़ी ब्राइट, कलरफुल और क्लियर हो चुकी है पिक्चर। अब हम वापस टूल्स में जाएंगे और डिटेल्स में जाएंगे। इससे आप पिक्चर की शार्पनेस और एजेस को और प्रोमिनेंट कर सकते हैं। बट हाँ, ये स्ट्रक्चर ज़्यादा बढ़ाने से पिक्चर बिल्कुल ही ग्रेनी हो जाती है, तो उसका ध्यान रखिएगा। उसी तरह ऊपर स्वाइप करके हम शार्पनिंग को भी थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। अब आप देख ही सकते हैं कि थोड़े से एडिटिंग के साथ ये पिक्चर और कितना प्रोमिनेंट हो चुका है। वापस टूल्स में जाके हम वाइट बैलेंस को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे पिक्चर को थोड़ा वार्म्थ देने के लिए। अब हम अपने पिक्चर में विनिये ऐड करेंगे। विनिये होता है बॉर्डर्स में एक ब्लैक या वाइट कलर जो पिक्चर में फेड हो जाता है। अगर आप लेफ़्ट स्वाइप करेंगे तो आपको थोड़ा सा ब्लैक विनिये दिखेगा बॉर्डर्स में, जो कि बहुत अच्छा फील लाता है फ़ोटो में। अब आप देख सकते हैं कि ये पिक्चर कितना बेटर लग रहा है। इसे सेव करने के लिए आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करिए और सेव पे क्लिक करिए, तो ये हो जाएगी सेव। अब मैं ऑलमोस्ट सेम प्रोसीजर से यही इमेज एडिट करने वाली हूँ।